आज हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली नेट फोर्स के मुतालिक है, जब एक ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स अप्लाई होती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ था जब एक बॉडी पर नो नेट फोर्स, यानी कि उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती, या वो रेस्ट में होता है या वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। यहाँ पर न्यूटन ने हमें बताया कि जब ये दोनों कंडीशंस ना हो, यानी कि ना वो रेस्ट में हो ना वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, इसका मतलब यह है कि उस पर कोई नेट फोर्स से मुराद फोर्सेस का कॉम्बिनेशन, उनका मजमुआ, यानी कि बहुत सारी फोर्सेस को जमा किया करें। एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्सेस भी अमल कर सकती हैं, उन सब फोर्सेस को जमा करो और उनका कोई रिज़ल्ट हो जो ज़ीरो ना हो, तो वो नेट फोर्स होती है। अगर नेट फोर्स ज़ीरो ना हो तो इस कंडीशन में हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुतालिक बात करने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली हमें एक्सेलरेशन का फोर्स से रिलेशन और एक्सेलरेशन का मास से रिलेशन के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसे समझेंगे। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि एक नेट फोर्स अप्लाई हो रही है फोर्स की डायरेक्शन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। यहाँ पर इस स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं, पहली के एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, और दूसरी के यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। हम दोनों कंडीशंस को समझेंगे और फिर इसे एक फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें एक मेरे पास एक साइकिल है, इसका मास कम है विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रक, इस पर फोर्स अप्लाई होती है। फ़र्ज करें शुरू में अगर साइकिल रेस्ट में थी, उस पर नेट फोर्स अप्लाई हुई है, तो उसकी वेलोसिटी फ़र्ज़ करें चेंज होकर 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। हमने एक्सेलरेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हुई है, 0 से 20 मीटर पर सेकंड पर चली गई है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जनरेट हुई है। अब ये भी देखा है कि जितनी ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा वो उतनी तेज़ी से मूव करेगा, यानी कि अगर मैं बहुत तेज़ी से साइकिल को धक्का लगा रहा हूँ तो वो बहुत तेज़ी से साइकिल अपनी स्पीड चेंज करेगी, इसका मतलब है एक्सेलरेशन उतनी हमारे पास ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि उसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी मेरे पास। इसी तरह अगर मैं फोर्स कम करता हूँ तो चेंज भी उतना ही कम होगा वेलोसिटी के दरमियान, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, तो एक्सेलरेशन भी यही है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ती है तो अगर फोर्स बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ती है, अगर एक्सेलरेशन कम होती है तो फोर्स कम हो जाती है, तो इसीलिए हम इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह अब तो इसीलिए न्यूटन ने कहा कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, यानी कि ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मैंने एग्जांपल देकर भी आपको समझाया। अब हम स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें न्यूटन बताते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। फ़र्ज़ करें एक ट्रक है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, फोर्स वही अप्लाई हो रही है जो मैंने साइकिल पर अप्लाई की थी, वही फोर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। फर्ज करें या
क्वांटिटी आप जो जो भी ले लें, फर्स्ट करें सेम ही फोर्स थी जो मैंने यहाँ पर अप्लाई की थी, तो वही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो इसमें चेंज बहुत कम होकर हुआ है, यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी, यानी कि वो रेस्ट में था, वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड है। ये बात आपको बता दूँ कि वी आई मेरे लिए हम इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जिस जो सिस्टम के शुरू होने से पहले उसकी वेलोसिटी थी, और सिस्टम के ख़त्म होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास। अच्छा, तो जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो से चेंज होकर 0.1 हो गई। ये तो बहुत कम चेंज है बनिस्बत इस साइकिल के। यहाँ पर मैंने जब फोर्स, वही फोर्स अप्लाई की थी, तो उसमें चेंज बहुत ज़्यादा होकर हुआ था। यहाँ पर और इस सिचुएशन में फ़र्क क्या है, बस मैस का फ़र्क है, यानी कि मैंने इसका मैस बढ़ा दिया है, तो एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कम हो गया, यानी कि वेलोसिटी में बहुत कम चेंज हुआ है, 0 से 0.1 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है सिर्फ। और यहाँ पर मास कम था तो वेलोसिटी का चेंज बहुत ज़्यादा है, 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक वो चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मास जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा, मास को मैं जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा, एक्सेलरेशन मेरी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जब मैं लिखता हूँ तो हमें सिंबल वही है प्रोपोर्शनल का, लेकिन इसको बटे के नीचे लिखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और प्रोपोर्शनल के केस में इसको सीधा लिखा जाता है। तो यही हमारे पास दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, यानी कि पहली सिचुएशन है मेरे पास ये कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इन दोनों सिचुएशंस को इकट्ठा करूं तो मेरे पास बन जाएगा एफ ओवर एम, क्योंकि ये वन है, वन की जगह पर एफ आ जाएगा। अच्छा, अब मैं m को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा m a, यानी कि अब m a उधर चला जाएगा तो मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी कुछ इस तरह f m में। ये टेक्निक आपने ज़रूर लगानी है कि मैं इसको उधर लेके जाना है। अच्छा, अब f इज इक्वल टू के एम ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ कि जब भी ये सिंबल हटता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, ये जब भी हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल आता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसकी जगह इक्वल आता है और कोई कांस्टेंट आता है। अब कांस्टेंट एक नंबर होता है जो इस केस में हमें पता नहीं है। जब भी कोई फार्मूला ड्राइव किया जाता है तो इसी तरह के रिलेशंस बनाए जाते हैं, और इन रिलेशन को जब हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो एक नंबर आता है, वो नंबर हमें अननोन होता है, ये बाद में हम उसकी वैल्यू प्रैक्टिकल बेसिस पर निकालते हैं। तो अब वो चूँकि मुझे वो नंबर अननोन है, तो इसलिए मैं उसकी वैल्यू के पुट करूँगा, क्योंकि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और मुझे वो पता भी नहीं। जैसे हम x फर्स्ट कहते हैं, इसी तरह मैंने k फर्स्ट किया है, तो f इज़ इक्वल टू के एम मेरे पास आ जाएगा। अब जब मैंने प्रैक्टिकल्स किए तो मैंने ये देखा कि मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू फिर क्या होगी, फिर 1 होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय एम इज़ इक्वल टू ए, यानी कि मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट अगर को मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ, तो वही आ जाएगा मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो कि फोर्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू फिर 1 होगी, के की वैल्यू 1 होगी। तो जब मैं के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ये इसका मेजर रिजल्ट है, एफ इज इक्वल टू एम ए। यही न्यूटन सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है।
अब मैं यूनिट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये मास है तो मास स्टैंड फॉर किलोग्राम और ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन स्टैंड फॉर मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होगा, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगे तो फोर्स का यूनिट बन जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अगर आपको यूनिट्स निकालने हो तो इसी तरह निकालते हैं फार्मूलाज से। फार्मूलाज में उनके बेसिक यूनिट्स पुट करते हैं तो जिसका आपने यूनिट निकालना है तो उसका यूनिट आ जाता है। तो ये है मेरे पास फोर्स का यूनिट, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में इसे न्यूटन कहा गया है, तो इसीलिए न्यूटन को, और न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वन न्यूटन इज इक्वल टू वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। यानी न्यूटन को अगर मैं डिफाइन करूं तो न्यूटन बराबर है कि जब किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास एक किलोग्राम है उसमें एक मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? एक न्यूटन की फोर्स लगेगी।